मीडिया का वेलकम करता हूं। सभी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये अफसोस से कहना पड़ता है कि जब से पब्लिक सर्विस कमीशन बना हुआ है, तब से हमेशा ही इसमें कोई ना कोई सिख नंबर रहा है। मैं उदाहरण के लिए बता सकता हूं कि चीफ सेक्रेटरी रिटायर्ड सरदार तेजा सिंह जी, वो इसके मेंबर रहे। सरदार स्वर्ण सिंह चीफ इंजीनियर रिटायर्ड, वो इसके मेंबर रहे। जज महेंद्र सिंह इसके मेंबर रहे रिटायर्ड। और पीछे जो अभी गई है, इसमें जेपी सिंह साहब थे, उससे पीछे डॉक्टर तारा सिंह जी थे। ये पहली दफा हुआ है जे एंड के यूटी बनने के बाद ये सिख कौम को एक तोहफा मिला है कि आपको हम कुछ भी नहीं देंगे, आप हिंदुस्तान के रहने वाले देशवासी नहीं हैं। ये सिग्नल हमको दिया जा रहा है। अब मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। मुझे नहीं लगता कि सबका साथ सबका विकास कहां है। चुन चुन के मेंबर ले लिए गए, एक कम्युनिटी के दो मेंबर ले लिए गए, एक के तीन ले लिए और एक शेड्यूल कास्ट बेचारे के हिस्से में आया। और सिख, मैं ये समझता हूं कि क्या हम सिर्फ बार्डरूम पे लड़ने के लिए रह गए हैं। बार्डरूम पे हो, जब कुछ भी हो तो चलो सिख रेजिमेंट को भेजो, सिख हवाई को भेजो। तो जब एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं ओहदा देना है, और वो भी आज से नहीं, ये जब से पब्लिक सर्विस कमीशन बनी हुई है तब से एक नंबर हमेशा सिख रहा है। ये फर्स्ट टाइम है कि इस ड्यूटी में मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त ये ड्यूटी दिल्ली के अंडर है। क्या मोदी साहब या होम मिनिस्टर हमारे शाह साहब, क्या वो सिख जो है उनको बिल्कुल इग्नोर करना चाहते हैं, बिल्कुल उनको देशवासी नहीं समझते हैं, क्या समझते हैं? क्यों हमारे नौजवान को आप गलत रास्ते पे लगा रहे हैं? इसलिए मैं अपील करूंगा यूनियन टेरिटरी के हेड लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ भी और दिल्ली वालों के साथ भी कि जल्द से जल्द किसी को मिले एक सिख मेंबर जो है। क्यों? कि हमारा हक बनता है कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव कोई ना कोई हो, ये हक है हमारा। तो ये नहीं है कि हमको अगर एडमिनिस्ट्रेशन में भी इग्नोर किया जाएगा, जॉब्स में भी इनको इग्नोर किया जाएगा, तो कब तक हम बर्दाश्त करेंगे, कब तक बर्दाश्त करेंगे? इसलिए मैं फिर गवर्नर साहब को और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को यह अपील करता हूं कि जल्द से जल्द किसी जगह पे, कश्मीर से लो, जम्मू से लो, कठुआ से लो, किसी और जगह से लो, एक सिख जो है रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक सर्विस कमीशन में हमारा मेंबर आना चाहिए। और हम ये नहीं चाहते कि हम इस कोरोना के वक्त में हम कहीं सड़कों पे आए, कहीं कोई बात करें। हम एज ए गुड सिटीजन ये आपके माध्यम से ये अपनी बात जो है, एक पूरी सिख कम्युनिटी की, जे एंड के सिख कम्युनिटी की बात है। ये स्टेट गुरुद्वारा प्रबंधक बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, हमारी और ऑर्गेनाइजेशन यही नहीं है, पूरा जे एंड के का सिख कल से हर्ट हुआ है। रिजेंटमेंट है पूरी कम्युनिटी में कि हमारा मेंबर आज तक जब से बनी है पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें हमारा मेंबर रहा है हमारे साथ, क्यों ये जो भेदभाव है वो किया जा रहा है। थैंक यू।